गाइस वेलकम बैक दोस्तों, इस टाइम मैं आ चुका हूँ कोयम्बटूर। कोयम्बटूर से मतलब 45 किलोमीटर आगे बाबा आदि योगी के टेंपल में। तो इस ब्लॉग में दोस्तों मैं जानूंगा कैसे यहाँ पे आया, कितना खर्चा आया, कैसे आप यहाँ तक इजली आ सकते हो, कितना अराउंड अराउंड आपका खर्चा पड़ेगा ऑटो से, बस से या प्राइवेट टैक्सी से। तो हर वो छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में दोस्तों मिलेगी। और ध्यानलिंगा में आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें आपको करने को मिलेंगी, अंदर कैमरा वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं, तो मैं आपको हर वो छोटी बड़ी अंदर जानकारी इस ब्लॉग में दूंगा। तो आइए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्कार जन, सत श्री अकाल, केम छो, जय भोलेनाथ। लो जी दोस्तों, हम निकल चुके हैं आदि योगी टेम्पल के लिए और रास्ते में जो कुछ भी होगा सब कुछ आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैंने स्कूटी परचेस कर ली है और पूरे रास्ते एंजॉय करेंगे, सोलो ट्रिप के साथ एंजॉय करते हैं। तो आइए फटाफट पहुंच के आदि योगी आपको वहीं पे ज्वाइन करते हैं और बहुत मज़ा आने वाला, आखिर तक बने रहिएगा ब्लॉग में। वेलकम टू आदि योगी टेम्पल दोस्तों। सो फाइनल दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं आदि योगी टेम्पल और ये रहा मेरे पीछे आदि योगी टेम्पल। 112 फीट की मूर्ति सतगुरु जी ने बनवाई है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, कितना खर्चा लगा अभी तक का मेरा, और सबसे सस्ता अगर आप आना चाहते हो सोलो ट्रैवल या डुओ ट्रैवलर में तो कैसे आ सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप सोलो या डुओ आ रहे हो तो मेरे हिसाब से आप एक स्कूटी परचेस कर लो रेंट पे, वो बेटर रहेगी। बहुत अच्छा रूट है, रास्ते भर आपको ग्रीनरी वगैरह, पहाड़ वगैरह, व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे मिलेंगे। उसके बाद आप अगर आना चाहते हो तो आप ऑटो से आ सकते हो, ऑटो को यहाँ टुक टुक बोलते हैं, उसका किराया 1200 रुपये अराउंड, मतलब राउंड ट्रिप का आना जाना। सो फाइनली दोस्तों, ये रहा हमारे पीछे आदि योगी भगवान और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे शांति इतनी है, तेज़ हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है यार यहाँ का ब्लॉग करके। सोचा नहीं था कि मैं यहाँ के दर्शन जल्दी कर पाऊँगा अभी, तो कोई प्लान नहीं था, ऐसे ही आ गया और कुछ काम के सिलसिले में आया था कोयम्बटूर, तो इसलिए मैं यहाँ चला आया। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी धूप है, शाम के 7:30 में यहाँ पे डेली लेजर शो होता है। अगर कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ रुक पाऊँ, क्योंकि लॉन्ग है यार काफ़ी, और रात का सफ़र देर करना रहेगा मुझे अभी वापस नीचे जाने के लिए। तो देखता हूँ कितना क्या लगेगा इस समय यार अभी, और चलिए घूम के आते हैं एक बार दर्शन करके। यहाँ पे दोस्तों लोग पूजा पाठ वगैरह भी कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान लगाने की भी एक जगह है, तो अभी वो भी चलेंगे देखने, ध्यान केंद्र है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं ध्यान के लिंगा। यहाँ पे अंदर जाने के लिए कोई टिकट वगैरह नहीं है, बैग वगैरह रखेंगे तो उसका चार्ज शायद पड़ेगा। और अंदर अभी मैंने लोकल से पता किया तो बोल रहे हैं यहाँ आचार्य जी हैं जिन्होंने अपने हाथों से कोई पुल बनाया है, पुल या डुबकी करने के लिए, वहाँ अंदर दर्शन करने से पहले बोलते हैं बहुत मान्यता है, अगर आपके पास कपड़े वगैरह नहीं है तो आप लेके आइए, डुबकी करके तब अंदर जाइए ध्यान में दर्शन करने के लिए। ताकि तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आचार्य जी का है, पूरे शरीर में बता रहे हैं ऐसी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी नहाने के बाद, आपको लगेगा ही नहीं, बहुत मजा आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा अंदर जाके डुबकी करने की। और हाँ, अंदर फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, तो इसलिए अंदर का ब्लॉग नहीं आएगा। और आने के बाद बताता हूँ कैसा सब कुछ है। तो यहाँ पे लॉकर रूम है, हम लॉकर रूम में सामान रखने के बाद जा रहे हैं अंदर। हवा बहुत तेज चली, गटर में मच जाएगी, बाल बहुत खराब हो। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे दोस्तों। दोस्तों मैं मेडिटेशन करने के बाद अब हम आए ब्रेकफास्ट कुछ खाने, लंच करने के लिए। तो यहाँ के चिली पनीर, ये पनीर 65 है, फ्राइड राइस मैंने मंगाया है, टेस्ट अच्छा है, मज़ा आ गया, इसलिए मैंने अभी आपको दिखा दिया। दोस्तों यही है ध्यान लंच, जहाँ पे ध्यान लगाया जाता है, और इसके अंदर बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। और इसकी टाइमिंग ये है, सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है, शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। अंदर वाल नहाने वगैरह के लिए भी है। और अब हम यहाँ से फिर से जा रहे हैं आदि योगी मूर्ति के पास, क्योंकि अभी शाम को 7:00 पे और मेरे ख्याल से लेजर शो है, तो वो भी देख के तब निकलूंगा वापस कोयम्बटूर। दोस्तों ध्यान लिंगा में मेडिटेशन करने के बाद मुझे भूख लगाई, तो मैंने लंच किया, लंच करने के बाद मैं आ गया सीधे आदि योगी। और ध्यान लिंगा के अंदर दोस्तों इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतनी शांति, मज़ा आ गया दर्शन करके भगवान भोले जी के। और आप भी जाइए दर्शन अच्छे से करिए, एकदम साइलेंट मूड के, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि अंदर कपड़े ले जाना अलाउ है, कपड़े ले जाना कुछ भी अलाउ नहीं है। वहाँ पे आपको 20 रुपये की पर्ची कटेगी, वो पर्ची कटवा के आपको एक टॉवल मिल जाएगा, लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। तो वहाँ पे आपको वो पैसा दे देना है, आपको अंदर शावर मिल जाएगा, कपड़े दिए जाएंगे, वो कपड़े पहन के आपको डुबकी करने जाना होगा। वहाँ पे एकदम साइलेंट रहना है, तैरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको, उसका ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, हाँ, उस पानी में नहाने के बाद आपको इतना अच्छा फील आएगा, मज़ा आ जाएगा, उसके बाद आप दर्शन करने के लिए आगे जाएंगे। वहाँ से निकलने के बाद दोस्तों आपको मेन शिव जी का जो वो बना हुआ है केंद्र, वहाँ पे आपको भेजा जाएगा, वहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट ध्यान लगाना होगा, फिर आपको वहाँ से बाहर आ जाए। दोस्तों ध्यान लिंगा में अगर आपको रुकना है, यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है, तो अगर आपको रुकना हो तो आप यहाँ पे आके, यहाँ आने से 3 वीक्स पहले आप यहाँ की बुकिंग कर लीजिए, आपको इजीली रूम मिल जाएंगे। अगर आप उससे सेम डे आपकी बुकिंग करोगे या 10 दिन पहले आपकी बुकिंग करोगे तो नहीं मिलेगा। जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको साझा कर दिया,
अब मैं सोच रहा हूँ ये निकलूँ कि ना निकलूँ अभी यार, लेजर साइड लेजर शो शुरू होने वाला है। मैं स्कूटी से अकेला हूँ, वो भी तो बहुत लॉन्ग रूट है यार। मैं राज में हूँ, जगह तो थोड़ा सा लग रहा है, बाकी देखता हूँ क्या करना है। अब दोस्तों धीरे धीरे शाम हो चुकी है और वेदर भी बढ़िया हो गया, आप देख सकते हो धूप पूरा देवता जा चुके हैं इस पहाड़ी के पीछे। दोस्तों आप देख सकते हो तैयारियाँ शुरू हो रही हैं लेजर शो की, अब तो भाई देख के जाऊँगा। ये देखिए सब तैयारियाँ की जा रही हैं भैया, हम लेख के चलेंगे, अब नहीं रुकेंगे, अब लेजर शो देख के चलेंगे पूरा। 7:30 से शुरू है शायद, 7:20 या 7:30 से स्टार्ट है, 8 बजे के अराउंड यहाँ से निकलने का टाइम होगा वापस। तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी और ऊपर जाने के लिए, उसके बाद हम चलते हैं मंदिर के बैक साइड। तो बैक से कुछ ऐसे दिखेगा आपको, 112 फीट की ये मूर्ति बनाई हुई है और अब हवा भी थोड़ी सी कम हो गई है, तो अभी तक तो बालों में ऐसा लग रहा है किसी ने करंट लगा दिया मेरे। वो आप सोच रहे होंगे कि यार उसके बाल कैसे कर रखे है, भाई वो हवा की वजह से हो रखा है। मौसम आप देखो कितना प्यारा हो गया, केरल में बता रहे हैं बारिश हो रही है इस वजह से यहाँ पे भी इस मौसम हो गया, तो अभी मानसून तो आया नहीं है। दोस्तों इस प्रकार की आपको गाड़ी मिल जाएगी, अगर आप चल नहीं पाते यहाँ से वहाँ तक का लगभग 400-500 मीटर आपको चलना पड़ेगा यहाँ से, तो इसलिए 10 रुपए टिकट है बैलगाड़ी का, इसका भी अराउंड 20-30 रुपए है। और अगर आपके बच्चे नहीं चलना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से आगे ध्यान लिंगा जा सकते हो, वो थोड़ा सा डिस्टेंस, अगर धूप होगी तो दिक्कत हो सकती है, अन्यथा आप बाय वॉक जा सकते हो। यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा ठीक स्टैचू के बैक साइड में, यहाँ से आप परचेज कर सकते हो कोई भी टिकट। नहीं दिखाऊंगा लेकिन थोड़ा सा दिखाऊंगा ताकि आप यहाँ वो विजिट करो आके। तो दोस्तों आपने देखा कैसा था यहाँ का लेजर शो यार, जितना दिखाओ उतना कम है, हालांकि फिलहाल मैंने उतना ही दिखाया जितना मुझे सही लगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं सब कुछ वीडियो में दिखा दूंगा तो आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। अभी भी आप देख सकते हो पीछे लेजर लाइट चीज़ें, लेजर लाइट जला रखी है, आरती हुई है इस वजह से, वहाँ पे आरती भी आप ले सकते हो। तो फाइनली मैं अब निकल रहा हूँ कोयम्बटूर की ओर, आई होप आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे DM कर दीजिएगा, कमेंट में या इंस्टाग्राम हैंडल में, इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए ब्लॉग में, तब तक ये मैं ध्यान रखिएगा, टाटा बाय, हर हर महादेव।